इस वीडियो में मैं एक बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कवर करने वाली हूँ और आपको ये बताऊँगी कि जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने कैटेगरीज हैं और कितने टाइप के वीज़ा अवेलेबल है जिससे को आप अप्लाई करके जर्मनी आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। वैसे तो मैं जर्मनी में रहती हूँ और जर्मनी रिलेटेड सारी वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो पैंडमिक के चलते पूरे जैसे दुनिया में जॉब्स गई हैं लोगों की, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिस पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, वैसे ही जर्मनी में भी लोगों की जॉब्स गई हैं। जहां पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% हुआ करता था, अब वो बढ़ के 4.4% हो गया है। और साथ ही साथ जहां जॉब्स जा रही हैं, जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेग्जिट हुआ, तो ब्रेग्जिट से बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे फिनेंशियल कंपनीज, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स ऑफिसेस चेंज किए हैं। और मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि सिर्फ फाइनेंस में 2021 में अराउंड 2500 जॉब्स ओपन होंगी, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो जैसे फाइनेंस में जॉब्स ओपन हो रही हैं, वैसे ही और भी कैटेगरीज में, और भी इंडस्ट्रीज में ब्रेग्जिट के चलते जॉब्स ओपन होंगी। तो आज की वीडियो को मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला, कौन कौन सी हाई डिमांडिंग जॉब्स, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उसकी है जर्मनी में। दूसरा, अगर आपको उस कैटेगरी में अपना ऑप्शन नहीं समझ में आता है तो आपके पास 10 और मीडियम है जिससे आप जर्मनी आ सकते हैं। तो अगर आप इन प्रोफेशंस में नहीं आते हैं तो पूरी वीडियो देखिए, वेट कीजिएगा, आप कहीं ना कहीं तो आपका प्रोफेशन एजुकेशन मैच करेगा और फिर आप उस सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन से ऐसे हाई डिमांडिंग प्रोफेशंस हैं जर्मनी में। तो जो मैंने जितनी रिसर्च की है, वैसे तो ये मेरी रिसर्च है, आप भी रिसर्च करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि कहीं ये लिस्ट में और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं या नहीं। मैंने 6 ऐसे प्रोफेशंस ढूंढे हैं। पहला, नर्सिंग। उसके बाद आता है फिजिशियंस, फिजिशियंस मतलब डॉक्टर से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं इंजीनियर्स, फिर आता है आईटी स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट एंड देन क्राफ्ट्समैन। अगर आपको लगता है कि क्राफ्टमैन में कौन कौन सा काम आता है और कौन कौन से इंडस्ट्री आती है, तो मैंने आपके लिए वो स्क्रीन पे लिस्ट डाल दी है, तो आप प्लीज़ उस पर चेक कर लीजिए। तो ये 6 ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें बहुत ही भरपूर डिमांड है जर्मनी में। तो अगर आपका प्रोफेशन इन 6 प्रोफेशन से मैच नहीं कर रहा है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आगे की रिसर्च जारी रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे कितने टाइप के वीज़ा हैं जिसको आप अप्लाई करके जर्मनी आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके जर्मनी आ रहे हो तो आप जॉब नहीं ढूंढ सकते हो, उस पर आप एम्प्लॉयमेंट सीख नहीं कर सकते हो, इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते हो। तो अगर आप फैमिली से मिलने आ रहे हो या फिर फ्रेंड से मिलने आ रहे हो या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, तो ये आपको नहीं अलाउ करता कि आप कोई इंटरव्यू दो या जॉब सर्च करो। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। पहली कैटेगरी है वीज़ा फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। तो अगर आपके पास या तो कोई वोकेशनल डिग्री है या फिर आपके पास कोई हायर एजुकेशन है और उसको जर्मनी रिकग्नाइज करता है, तो फिर आप जर्मनी के जॉब पोर्टल्स पे जॉब ढूंढ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाए तो आप जर्मनी आके वर्क कर सकते हो। तो सेकेंड कैटेगरी है ईयू ब्लू कार्ड की। ईयू ब्लू कार्ड अप्लाई करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। वैसे तो आप ये सोचिए, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग या फिर ह्यूमन मेडिसिन से है, तो आपको एक सैलरी चाहिए, ऑफर लेटर चाहिए 43,056 यूरोस पर ईयर एनुअल इनकम का। अगर आपको इतनी पेइंग वाली जॉब मिल रही है तो आपको ईयू ब्लू कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप इन प्रोफेशंस में से नहीं हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड थोड़ा दूसरा है, तो आपको जो जॉब चाहिए उसकी सैलरी एनुअली होनी चाहिए 55,200 यूरोस।
तो ये एक डिफरेंस होता है कि जिसमें शॉर्टेज है उसकी थोड़ी कम सैलरी रखी गई है, और जिसमें ऑलरेडी जिस प्रोफेशन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जर्मनी में, उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ा के रखी गई है। और हाँ, आपको जॉब वही ढूंढनी है जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मैच कर रही हो। ये रूल आपको बहुत सारे कैटेगरीज में पढ़ने को मिल जाएगा, जिसमें आपके पास जैसी डिग्री होगी वैसी ही जॉब चाहिए। आप अपना डिग्री और प्रोफेशन ऐसे स्विच करके नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी ईयू ब्लू कार्ड की कैटेगरी। थर्ड ऑप्शन है जॉब सीकर वीज़ा। ये एक ऐसा वीज़ा होता है जिसमें आपको 6 मंथ्स का ड्यूरेशन मिलता है, जिसमें आप खुद जर्मनी आके जॉब ढूंढ सकते हो। और अगर इस 6 मंथ्स के दौरान आपको जॉब मिल जाती है तो आपको वर्क परमिट या ईयू ब्लू कार्ड जैसी भी सिचुएशन होगी वो मिल जाता है। और इन केस आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको वापस इंडिया या फिर अपने देश जाना होगा, और फिर 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड होगा, आप दोबारा नहीं अप्लाई कर पाओगे जॉब सीकर वीज़ा के लिए। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी, अगर आप इतना टाइम लगा के जर्मनी आते हो, आप अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हो या फिर आप जॉब ढूंढने आ रहे हो, और आपके पास उतना बैलेंस भी होना चाहिए कि आप दिखा पाओ अपने ब्लॉक अकाउंट में कि मैं 6 मंथ्स का कॉस्ट ऑफ लिविंग कवर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ जर्मन सीख के आइए। क्योंकि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज आज भी जर्मन है। और हमारे ऑफिसेज में जब मीटिंग होती है या फिर गैदरिंग होती है तो जर्मन में ही बात करते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट A2 तक तो सीख के आओ, और B1 कुछ जगह आपको सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, बट डिपेंड करता है, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो A2 अपना पूरा करके फिर आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके देन आप जर्मनी आओ, तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा जॉब ढूंढना। हमारा फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी आने के लिए जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप बैचलर्स करना चाहते हो तो आपके पास स्कूलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं वो जर्मन में भी पढ़ाए जाते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ाए जाते हैं, और वैसे ही इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है एप्लीकेशन की। अगर कोई जर्मन टॉट प्रोग्राम होता है तो वो B1, B2 लेवल की जर्मन मांगते हैं, तो आपको उतना सीख के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, तभी आप सिलेक्ट हो गए। और अगर आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो जनरली IELTS स्कोर मांगा जाता है। फिर आपको अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको सालाना दिखाना पड़ेगा कि आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट में 10,236 यूरोज हैं, रुपए नहीं यूरोज हैं। तो अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है और आपका मनचाहा कोर्स मिल गया है तो आप फिर एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हो स्टडी वीज़ा के लिए, और फिर जर्मनी आ सकते हो। जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 18 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा जॉब ढूंढने के लिए, तो विच इज़ आई थिंक सफिशिएंट। अगर क्योंकि आप जब इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में भी आप पढ़ रहे होते हो तो साइड बाई साइड आप जर्मन सीख रहे होते हो, तो आपको जॉब मिल सकती है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको वापस भेज दिया जाएगा। बस हाँ, थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और सिंस यहाँ के प्रोग्राम्स बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और ऐसे रटने वाला काम नहीं होता है, तो जो भी आप कोर्स कर रहे होगे वो अगर आपको बहुत अच्छे से आता है और आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो आपको जॉब भी ईजिली मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग वीज़ा। तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती है उसकी एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसकी एज 25 या 25 से कम होनी चाहिए। उनके पास साथ ही साथ इतना पैसा होना चाहिए अकाउंट में, ब्लॉक अकाउंट में, ये दिखाने के लिए कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग कवर कर पाएगा अपने पूरे ड्यूरेशन में। और जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, वैसे तो ट्रेनिंग दो टाइप की होती है, एक स्कूल बेस्ड ट्रेनिंग और एक कंपनी बेस्ड ट्रेनिंग। तो जब वो ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उसको 12 मंथ्स का टाइम मिलता है जॉब ढूंढने के लिए, और जैसे ही जॉब लग जाती है तो वो वर्क परमिट अप्लाई करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं काम करना। सिक्स्थ पॉइंट है लिस्ट में रिसर्च वीज़ा। रिसर्च वीज़ा किसको दिया जाता है, इंटरनेशनल रिसर्चर्स को। अब आप बोलोगे रिसर्चर्स कौन होते हैं, रिसर्चर्स उनको बोला गया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जिनके पास ऑलरेडी PhD डिग्री है या फिर वो PhD कर रहे हैं। तो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है रिसर्चर का। तो उस बेसिस पे मिनिमम 12 मंथ्स का वीज़ा दिया जाता है। उसके बाद उनके पास टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, वो यहाँ रह के अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद लोगों बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं।
और मैंने एक जगह और पढ़ा था कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं और अपनी पीएचडी कहीं और से कर रहे हैं तो वो जर्मनी आके अपनी डॉक्टरेट की थीसिस कंप्लीट कर सकते हैं, और ये कैटेगराइज होता है एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो उसके बाद टीचिंग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। हमारा सेवेंथ पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आप फ्रीलांसर हो तो फिर आप जर्मनी आके कंटिन्यू कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। फ्रीलांसर्स के लिए तो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि वापस से आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जर्मनी में, और आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप किन के लिए काम करते हो, और फिर आपको फ्रीलांसर वीज़ा भी मिल जाता है और इसके चलते भी आप जर्मनी आके रह सकते हो। तो जो एट्थ पॉइंट है ये मुझे भी नहीं पता था, और जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे पता चला कि अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो और आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो आप जर्मनी भी आके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। इसके बारे में आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जिसपे आप पूरी डिटेल्स से पढ़ सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बट यस दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो जो ये इंटर्नशिप वाला वीज़ा होता है वो आपकी कंपनी ही स्पॉन्सर करती है जिसने आपको सेलेक्ट किया है, तो वो इन रिटर्न लिख के देती है कि वो सारे कॉस्ट बेयर करेगी आपकी फ्लाइट के, आपके रहने का। तो इससे इजी हो जाती है चीज़ें और बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहती हैं कि जब आप यहाँ पे आओगे इंटर्नशिप करोगे तो कैसे रहोगे और कहाँ से कॉस्ट कवर होगी। तो आज का जो हमारा लास्ट सेकेंड पॉइंट है वो है लर्न जर्मन लैंग्वेज। आपको जर्मन अगर सीखनी हो जर्मनी आके और आप प्लान नहीं कर रहे हो हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए, तो आपको 12 मंथ्स का वीज़ा मिल सकता है या फिर जितना आपके इंस्टीट्यूशन जो भी है जो जर्मन जहाँ पे आप सीखना चाहते हो उसका जो ड्यूरेशन होगा इंटेंसिव प्रोग्राम का, उतने ड्यूरेशन का आपको वीज़ा मिल जाएगा। और इस पीरियड में आप जॉब नहीं ढूंढ सकते हो, आपको पार्ट टाइम जॉब करने का ऑप्शन नहीं है ना ही आपको फुल टाइम जॉब करने का ऑप्शन है। तो अगर आपको जर्मन बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और आप जर्मनी आके रहना चाहते हो और आप अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग बेयर कर सकते हो, ब्लॉक अकाउंट में उतने पैसे आपके होने चाहिए, तो आप जर्मनी आ सकते हो। आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है वीज़ा फॉर स्पेसिफिक लेबर मार्केट एक्सेस। इसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनके लिए जर्मनी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें पहला है आईटी सेक्टर, दूसरा है आर्टिस्ट, तीसरा है लैंग्वेज टीचर, चौथा है प्रोफेशनल एथलीट्स एंड कोच, और लास्ट है प्रोफेशनल ड्राइवर्स। तो कुछ कुछ इनमें से कुछ कुछ प्रोफेशंस में तो B1 सर्टिफिकेट मांगते हैं जर्मन का, और वो सर्टिफिकेट CEFR रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए तभी उसे वैलिड माना जाता है जर्मनी में। तो ये थे पूरे 10 काइंड्स ऑफ वीज़ा जिसको अप्लाई करके आप जर्मनी आ सकते हो, और इनमें से कुछ भी आपके लिए सूटेबल हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आप खुद जाके एक्सप्लोर करो और पढ़ सको इन डिटेल की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आपके लिए और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो अगर आपको मेरी आज की रिसर्च इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने नहीं किया है अभी तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों से जो जर्मनी आना चाहते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।